Hello, this is Abhishek Chauhan and let's welcome on our news portal, Let's Focus. नई थॉर ऑल ब्लैक इंटीरियर लेआउट के साथ आई है। कार में 7 इंच टच स्क्रीन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एसी, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं। महिंद्रा ने आखिरकार अपनी नई जनरेशन वाली थार को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। साल 2010 में पहली बार लॉन्च हुई महिंद्रा थार को लंबे समय से कोई अपडेट नहीं दिया गया था। बता दें कि BS6 नॉर्म्स के कारण कंपनी इसके मौजूदा मॉडल की बिक्री नहीं कर रही। नई महिंद्रा थार 2020 में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसमें पहली बार पेट्रोल इंजन दिया गया है, वहीं इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। आज हम आपको नई महिंद्रा थार से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी बातों को बताने जा रहे हैं। तो आइए डालते हैं नई थार के लुक्स और डिज़ाइन पर नज़र। नई जनरेशन वाली महिंद्रा थार भारतीय बाजार में 2 इंजन में उपलब्ध होगी। इसमें ग्राहकों को BS6 कंप्लायंट वाला 2.2 लीटर का MHawk डीजल इंजन और 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज एम स्टेलिन पेट्रोल इंजन मिलेगा। महिंद्रा थार में पहली बार कंपनी की तरफ से पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है। इसका नया टर्बो पेट्रोल इंजन 150 BHP की मैक्सिमम पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। नई जनरेशन वाली महिंद्रा थार के डीजल मॉडल की बात करें तो इसमें ताकत के लिए BS6 कंप्लायंट वाला 2.2 लीटर का MHawk डीजल इंजन दिया गया है। इसका डीजल इंजन 130 BHP की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। नई थार में 7 इंच का ट्रिजल रेजिस्टेंस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसमें पीछे की सीट को अब फ्रंट फेसिंग दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि अब कार की सीट से लेकर फ्लोर तक पूरी तरह वॉशेबल है। नई जनरेशन वाली महिंद्रा थार 2020 भारतीय बाजार में LX और AX 2 वेरिएंट्स में लॉन्च होगी। वहीं अगर कलर वेरिएंट्स की बात करें तो कंपनी ने अपनी नई जनरेशन वाली थार को 6 रंगों के साथ पेश किया है। इसमें रेड रेज, मिस्टिक कॉपर, नेपोली ब्लैक, एक्वामरीन, गैलेक्सी ग्रे और रॉकी बेज शामिल हैं। वहीं फीचर्स और लुक पर ध्यान दें तो महिंद्रा के 2020 वर्जन में पुराने मॉडल जैसे फ्रंट ग्रिल दिया गया है। इसके लुक को पहले के मुकाबले थोड़ा सा अपडेट किया गया है। इसमें क्रूज कंट्रोल, ABS के साथ EVD ड्यूल एयरबैग्स, हिल होल्ड और ESP के साथ रोल ओवर दिया गया है। कंपनी ने अपनी थार को मल्टीपल रूफ ऑप्शन के साथ पेश किया है। इसमें आपको हार्ड अप, सॉफ्ट अप के साथ पहली बार कन्वर्टेबल टॉप का विकल्प भी मिलेगा। इस कार में पहले के मुकाबले बड़ा केबिन दिया गया है, यानी अब आपको इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा। कंपनी ने अपनी जनरेशन वाली महिंद्रा थार की कीमतों से अभी फिलहाल पर्दा नहीं हटाया है। महिंद्रा अपनी थार 2020 की कीमतों का ऐलान 2 अक्टूबर 2020 को करेगी। नई जनरेशन वाली महिंद्रा थार की बुकिंग 2 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इसे वीडियो से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अपडेशन मिलती है। टिल देन लेट्स फोकस।